क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, देखिए हम जो, मैं निरंतर 38 वर्षों से रामलीला में मेंशन कर रहा हूँ, और जो हमारा उद्देश्य होता है रामलीला को करने का, हमारा यही उद्देश्य होता है जो आज की ये जो जनरेशन है उनके अंदर भगवान राम के संस्कार आएँ और वो भगवान राम के आदर्शों पर चलें। क्या संदेश देंगे आज इस मंच से? सबसे पहले तो मैं नोएडा वासियों का और इस रामलीला समिति का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो निरंतर 6 वर्ष से हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे लीला के मंचन करने का। उनकी पूरी कमेटी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया है मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया है मैंने, शरबते भंग करोड़ों को पिलाया है मैंने, मनुष्य तो चीज ही क्या, ब्रह्मांड को हिलाया है मैंने। सर आप रावण का किरदार कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। कब से आप नोएडा में? मैं 22-23 साल से कर रहा हूँ यहाँ नोएडा में, फर्स्ट बार कर रहा हूँ। कैसा लगा यहाँ का रामलीला? बहुत बढ़िया लगा, यहाँ के लोग प्यारे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं हमें। मंच के जो संयोजक हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंच के संयोजक भी बहुत साथ में हैं हमारे, हर चीज़ मतलब अवेलेबल कराते हैं हमारे, उनसे कोई शिकायत नहीं है। मिल बहुत ही समय से जो भी काम हुआ है बहुत प्रेम भाव से हुआ है। बुराई का अंत और अच्छाई की जीत है आज, तो उसको लेके क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही है कि भगवान राम के आदर्शों पर चलें। जो भगवान राम जी ने जैसे अपने जीवन 14 साल माँ बाप के एक आवाज़ पर अपना जीवन पूरा वनवास काट दिया था, तो आजकल की जो जनरेशन है उनको सीख लेनी चाहिए भगवान राम से कि वो अपने राम, भगवान राम के आदर्शों पे चले। रावण की हंसी देखने के लिए जनता तेजी से सेल्फी करते हैं एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ रावण जी जो नोएडा स्टेडियम में रावण का किरदार निभा रहे हैं। कैमरामैन अपने सहयोगी के साथ नाजमिन विशाल और विशाख टाइम्स नोएडा।